Hello and good morning all of you. Welcome to Alpha AS Academy's previous year answer writing series, and we are discussing a general studies 2 question. The idea and the motive behind this series to make you think and to help you frame answers in the examinations and on what lines you should think, kis line pe aapko sochna hai, us line pe aapko answer writing mein help karna, yahi is series ka uddeshya hai. हमने जो आंसर दिया है वो एक टाइप का आंसर है, हम ये हर वीडियो में बोलते हैं. इसके अलावा हज़ार और तरीके हो सकते हैं आंसर लिखने के, आपको जो सही लगता है आप वो चूज़ करें. ये तो एक हमारी छोटी सी पहल है आपको मदद करने की, जो हमारा एक्सपीरियंस है हम आपसे शेयर कर सकें. तो 10/2016 में एक क्वेश्चन आया, इन द इंडियन गवर्नेंस सिस्टम द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स हैव बीन ओनली मार्जिनल, क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट. तो क्रिटिकली एग्जामिन में बेसिकली होता क्या है कि आपको दोनों साइड दिखानी होती है, कि पॉजिटिव नेगेटिव दिखानी होती है, और एक आपको बैलेंस कंक्लूजन देना होता है. अब इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में नॉन स्टेट एक्टर्स का पार्टिसिपेशन जो है मार्जिनल रहा है, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है ऑलमोस्ट करेक्ट है. तो अब आप इसके सपोर्ट में आंसर देंगे. तो आप पहले इंट्रोडक्शन में क्या डिफाइन करेंगे कि नॉन स्टेट एक्टर्स होते क्या हैं, ठीक है, वो कैसे हेल्प करते हैं गवर्नेंस सिस्टम में, दूसरी बात, तीसरी बात उनका जो रोल है वो मार्जिनल क्यों रह गया, तीसरी बात, और चौथी बात आप ये दिखाएंगे कि जहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो क्या अच्छा आउटकम आया, ठीक है. ये चार चीज़ों पे आप बेसिकली फोकस करेंगे, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन में, तो नॉन स्टेट एक्टर्स होते क्या हैं, बेसिकली दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स. और एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी, फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, ठीक है. अब यहाँ तो आपने नॉन स्टेट एक्टर को डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन दे दी. अब रोल क्या प्ले करते हैं, तो आप बेसिकली उसके लिए कोई भी स्कीमेटिक्स या कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, हमने ये यूज़ किया. तो बेसिकली रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स क्या है गवर्नेंस में, वेलफेयरिज्म उनका आइडिया रहता है. देन दे कैन इन्फ्लुएंस पॉलिसी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, एक टाइप का वॉच डॉग रोल प्ले करते हैं वो लोग, पॉलिसीज़ को इवेल्युएट कर सकते हैं एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये उसका रोल हो गया. अब क्यों नॉन स्टेक या जो उनका पार्टिसिपेशन है वो मार्जिनल रह गया, ठीक है, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ एडिक्वेट फंड्स है, लैक ऑफ एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज है, वॉलंटियरिंग का कल्चर जो है इंडिया में कम है, एंड अथॉरिटेटिव एंड मल्टीपल लॉज इन रेगुलेशन, उनको रेगुलेशन ओवर रेगुलेशन है इस सेक्टर में, ठीक है. अब बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर्स, अब आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे बॉडी में. नॉन स्टेट एक्टर जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं गवर्नेंस सिस्टम में. इंडिया में जो है उनका मार्जिनल रहा है, क्योंकि अब क्यों रहा है, क्योंकि एक तो इंडिया में टॉप डाउन अप्रोच हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वाइडर पार्टिसिपेशन जो है नॉन स्टेट एक्टर्स का वो मिनिमल रहा है. जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे फार्मर लॉज का एग्जांपल दे सकते हैं. अब बेसिकली अगर आप फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को या फार्मर्स के साथ आप पहले बातचीत कर रखते, उनकी जो नीड्स एंड डिमांड्स है समझते, रादर देन एक लॉ, सीधा लॉ लाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि आज जो आउटकम हुआ उन लॉज का एक डिफरेंट आउटकम हो सकता. तो बेसिकली क्या किया, एक लॉ का आउटकम ही चेंज कर देता, क्या, पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन स्टेट एक्टर, ठीक है. देन नॉन स्टेट एक्टर जो है बेसिकली ज़्यादा क्लोज रहते हैं पीपल के, तो वो ज़्यादा बेटर टारगेट कर सकते हैं जो पीपल हैं. तो बेसिकली अगर आज के टाइम पे अगर गवर्नमेंट को 5000, मैं बोलूँगी 5000 रुपये मैं देना चाहता हूँ हर व्यक्ति को जो गरीब है, लेकिन गरीब व्यक्ति कौन है, या लैंडलेस किसी लैंडलेस फार्मर को मैं 5000 रुपये देना चाहता हूँ, तो वो है कौन, उसको आइडेंटिफाई करना, रियल बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो उसके लिए जो है नॉन स्टेट एक्टर्स जो है बेसिकली, क्योंकि वो लोगों से जुड़े होते हैं, क्योंकि वो ज़मीन पे काम कर रहे होते हैं, तो वो बेटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेनिफिशियरीज को, और इसमें वो सरकार की मदद कर सकते हैं. देन क्लाइमेट चेंज, पावर्टी एंड करप्शन इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, ठीक है. और यहाँ पर भी इस चीज़ को रोकने के लिए भी नॉन स्टेट एक्टर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, ठीक है. कितने सारे, जैसे आपका सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये सब क्या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो कि बेसिकली टाइम टू टाइम पेपर पब्लिश करते हैं कि भैया स्टेट ऑफ इंडियन क्लाइमेट या इंडियन स्टेट क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट आ रहा है इंडिया पे. तो बेसिकली सरकार क्या करती है, उन रिपोर्ट्स का सहायता लेकर ही अपनी पॉलिसीज फ्रेम करती है. तो बेसिकली इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में, इम्प्लीमेंटेशन में नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वेरियस फील्ड्स में सरकार की मदद करते हैं. दस इंडिया में जो है नॉन स्टेट एक्टर्स हैं भी, जैसे एनजीओस मिलियन, अबाउट लगभग अ मिलियन एनजीओस आर रजिस्टर्ड, बट देन दे आर नॉट एबल टू डू देयर वर्क प्रॉपरली, ठीक है. और वो क्यों नहीं कर पाते, हमने आपको रीजंस पहले दे दिए थे. अब आप दिखाएंगे कि कैसे जो है जहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स ने एक्ट किया वहाँ पे एक अच्छा आउटकम आप ला पाए. उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है
इनैक्टमेंट ऑफ लॉज में, जैसे मजदूर किसान शक्ति संगठन या परिवर्तन, जो अरविंद केजरीवाल की जो जी का जो एनजीओ था उसने आरटीआई लॉ के फ्रेमिंग में कितना इंपॉर्टेंट हुआ भाई, आरटीआई लॉ राइट इन्फॉर्मेशन लॉ कितना इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। देन एंटी करप्शन जो मूवमेंट थी उसका लोकपाल एक्ट फॉर्मेशन में, जिसने कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई गवर्नेंस सिस्टम में, उसका कितना बड़ा रोल था। देन सोसाइटल डेवलपमेंट में एक बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे फार्मर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उन सब के पर्टिकुलर ग्रुप्स के इंटरेस्ट के लिए वो वर्क कर सकते हैं। पब्लिक की जो वॉइस है, नॉन स्टेट एक्टर जो है उसको एक टाइप का सपोर्ट देते हैं, ठीक है भाई, वो उनके साथ आते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो स्टेट तक पहुँचाते हैं कि भैया इनको ये दिक्कत है, आप इसको एड्रेस करें। दस नॉन स्टेट एक्टर्स आर कैपेबल ऑफ रीशेपिंग द पैटर्न्स एंड आउटकम्स ऑफ गवर्नेंस थ्रू इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। सो इट इज़ डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर नॉन स्टेट एक्टर्स टू वर्क विथ फुल पोटेंशियल। तो बेसिकली आइडिया यही रहेगा कंक्लूजन में कि स्टेट और जो नॉन स्टेट एक्टर उनको आपस में आगे काम करना पड़ेगा फॉर द डेवलपमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, एंड स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है नॉन स्टेट एक्टर्स को फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कि वो काम कर सकें, और नॉन स्टेट एक्टर्स की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो स्टेट की हेल्प करें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, और कोई और मोटिव या किसी और अल्टीरियर मोटिव्स को वो इम्प्लीमेंट ना कर रहे हों, ठीक है। तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो बेसिकली दोनों की कुछ कुछ जिम्मेदारियाँ हैं और दोनों को बैलेंस करके ही अपनी जिम्मेदारियों को देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, आई होप गुड हेल्थ एंड good health for you, and keep smiling, and we shall see you soon, and if you have any recommendation you can always tell us in the comment box. Thank you, bye bye.